Welcome back, students. So we have already seen part one of the waves. Now we are going to start second part, students. Second part. लेकिन students आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये second part है waves का. तो naturally जो first part है wave का, I hope आपने देखा होगा, ठीक है. और अगर वो पूरा नहीं तो आपको एटलीस्ट उसका बेसिक कॉन्सेप्ट याद होगा स्टूडेंट्स, ठीक है. नेचुरल सी बात है कि अगर आप किसी चैप्टर का सेकंड पार्ट देख रहे हो, वो समझना चाहते हो, तो उसका फर्स्ट पार्ट जो है उसकी बेसिक आइडिया आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है. तो इन केस अगर आपको वो याद नहीं है, आपने बहुत पहले देखा था, तो स्टूडेंट्स जस्ट गो थ्रू द लास्ट चैप्टर क्विकली, ठीक है. जस्ट सम इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इट और जस्ट थ्रू द नोट्स ऑफ इट, उसके नोट्स से आप क्विकली गुजर लो, ठीक है. स्टूडेंट देखो, जो हमारा पार्ट वन था उसमें हमने ट्रांसवर्स वेव के बारे में पढ़ा था, ठीक है. ट्रांसवर्स वर्ड का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, स्टूडेंट्स. तो वहां पे क्या हो रहा था कि वेव जो है वो ऐसे अगर जा रही थी तो पार्टिकल्स जो थे वो ऑसिलेट कर रहे थे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे थे, वो हमारा ट्रांसवर्स वेव था, ठीक है स्टूडेंट्स. तो उसमें हमने बेसिकली पढ़ा था वेव ऑन स्ट्रिंग पे जो वेव होती है वो बेसिकली हमने उसको स्टडी की थी, वो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है. स्टूडेंट्स इस पार्ट में, इस चैप्टर में हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. तो स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, ये मैंने आपको पार्ट वन में ही थोड़ा सा बताया था. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है कि अगर वेव आगे की तरफ जा रही है तो पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट भी उसी डायरेक्शन के लॉन्ग कर रहे होते हैं, उसी डायरेक्शन के लॉन्ग पार्टिकल जो है ऑसिलेट कर रहे होते हैं, उसी डायरेक्शन के लॉन्ग पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे होते हैं. तो ऐसी वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव. वेरी इंपॉर्टेंट, वेव जिस डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट नहीं कर रहे. लॉन्गिट्यूडनल का स्टूडेंट्स मतलब भी होता है समथिंग लाइक पैरेलल सॉर्ट ऑफ थिंग. तो वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है. तो स्टूडेंट्स यहां पर मेनली जो है हम साउंड वेव को स्टडी करने वाले हैं सर. स्टूडेंट साउंड वेव को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है. साउंड वेव जो होती है स्टूडेंट, जो हम डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी भी आप मेरी साउंड सुन रहे हो. जब भी आप किसी से बात करते हो तो साउंड सुनते हो, तो देयर इज साउंड वेव इन एक्शन देयर, राइट. तो साउंड वेव इज अ वेरी कॉमन एंड परहैप्स द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम उसी को स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर में जो हमने स्ट्रिंग वेव के बारे में पढ़ा है स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू दैट इज बेसिकली अ वन डायमेंशनल वेव. उसको हम वन डायमेंशनल वेव बोल सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो वेव है वो रोप के ऊपर ट्रैवल करती है, कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो दैट इज अ वन डायमेंशनल वेव. बट स्टूडेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट साउंड वेव्स, वो कैसे है, वो वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल है? बहुत ही सिंपल बात है स्टूडेंट्स, अगर हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो जनरली वो हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है स्टूडेंट्स. आप इस आदमी के आगे पीछे ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में हो आपको साउंड वेव सुनाई देगी. इसका मतलब साउंड वेव जो है स्टूडेंट्स वो फंडामेंटली थ्री डायमेंशनल वेव कहलाई जाएंगी क्योंकि वो तीनों डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, ठीक है. लेकिन स्टूडेंट साउंड वेव अगर थ्री डायमेंशनल है तो उसको स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. तो इस चैप्टर में मोस्टली हम क्या करने वाले हैं कि साउंड वेव को जबरदस्ती वन डायमेंशनल बना के उसको स्टडी करने वाले हैं, ठीक है. उसको मोस्टली वन डायमेंशनल बना के स्टडी करने वाले. वन डायमेंशनल बनाने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जैसे आप ये सिचुएशन सोचो, सपोज करो स्टूडेंट्स मेरे पास ये एक टनल है, ठीक है. अगर टनल के एंड पे कोई साउंड प्रोड्यूस की जाए, सपोज करो स्टूडेंट्स कोई लाउड स्पीकर रखा हुआ है यहां पे, तो ये कोई लाउड स्पीकर है स्टूडेंट्स, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. तो अब ये टनल में जब साउंड ट्रैवल करेगी तो वो उसको स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना पड़ेगा. वी आर फोर्स्ड टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. सो इन दिस केस साउंड विल बी एक्चुअली अ वन डायमेंशनल वेव, राइट. तो इस टाइप की सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पे साउंड वन डायमेंशनल तरह बिहेव करे. तो थोड़ा थोड़ा हम थ्री डायमेंशनल की बात करेंगे, बट जब तक बोला ना जाए हम यहां पे साउंड को वन डायमेंशनल की तरह ही स्टडी कर रहे होंगे. तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव, मतलब साउंड वेव एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे ट्रैवल करती है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. तो स्टूडेंट देखो, एक ये ट्यूब है आप सपोज करो, ठीक है. ये ट्यूब जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है. ये मूव नहीं कर सकती है. अब आपने क्या किया, यहां पे ट्यूब पे नॉक कर दिया आपने फिंगर के हेल्प से, आपने इसको टैप किया या नॉक किया, ठीक है. अपने फिंगर्स के हेल्प से यहां पे हिट किया, तो स्टूडेंट एक साउंड प्रोड्यूस होती है, वो साउंड हमें सुनाई देती है, ठीक है. तो कैसे प्रोड्यूस होती है वो साउंड, कैसे हमें सुनाई देती है स्टूडेंट्स? तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जब आप इस मेम्ब्रेन को नॉक करते हो स्टूडेंट्स, ये तो मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट करने लगती है, ये थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करने लगती है स्टूडेंट्स. आप बोल रहे होंगे यार दिखाई तो देती नहीं है. हाँ स्टूडेंट्स, दिखाई नहीं देती है क्योंकि वो बहुत थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करती है और बहुत जल्दी वाइब्रेट करती है, इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा.
ठीक है, बहुत थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करती है। अब देखो स्टूडेंट, उसके वाइब्रेट होने से क्या होता है, ये वाइब्रेट करने लगता है। अब इसके वाइब्रेट होने से क्या होता है, अब ये जो ट्यूब है स्टूडेंट, या फिर सराउंडिंग में भी एयर है और वहां पे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पे एयर के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, तो जब ये मेम्ब्रेन ऐसे से वाइब्रेट करेगी तो आगे के यहां पर जो एयर्स हैं उससे कोलाइड करेगी। जब ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी तो आगे के मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगी, और जब ये मॉलिक्यूल से कोलाइड करती है तो वो मॉलिक्यूल्स भी ऐसे से वाइब्रेट करने लगते हैं स्टूडेंट्स। ये सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे से वाइब्रेट करने लगते हैं। जब ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है तो एयर मॉलिक्यूल से कोलाइड करती है, वो एयर मॉलिक्यूल्स भी ऐसे से वाइब्रेट करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये एयर मॉलिक्यूल्स अगर वाइब्रेट करने लगे तो ये अपने आगे वाले से टकराएंगे, अपने आगे वाले एयर मॉलिक्यूल से टकराएंगे ना, तो अब वो भी ऐसे से वाइब्रेट करने लगेंगे स्टूडेंट्स, वो भी वाइब्रेट करने लगेंगे, ऑसिलेट करने लगेंगे। फिर जब ये ऑसिलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये अपने आगे वाले से टकराएंगे, तो वो भी फिर ऑसिलेट करने लगते हैं स्टूडेंट्स, वो भी वाइब्रेट करने लगते हैं स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं मेरी बात को। फिर वो अपने आगे वाले से टकराएंगे तो वो भी वाइब्रेट या ऑसिलेट करने लगते हैं स्टूडेंट्स। उस तरीके से इस ट्यूब के सारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट और ऑसिलेट करने लगते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और सपोज करो आप यहां पे खड़े हो और आपका ईयर है यहां पे, ठीक है, तो फिर यहां के मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट होंगे, यहां वाले ऑसिलेट होंगे। अब फिर जो आपके कान के पास वाले मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे स्टूडेंट्स, आपके फिर कान के पास वाले मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगेंगे, वो फिर आपके ईयर ड्रम से टकराएंगे, राइट, वो आपके ईयर ड्रम से टकराएंगे, तब जाके स्टूडेंट्स आपको साउंड सुनाई देती है, तब जाके आपको साउंड जो है वो सुनाई देती है। तो स्टूडेंट समझ में आया क्या हो रहा है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। आपने इसको नॉक किया तो ये वाइब्रेट करने लगा, इसने एयर मॉलिक्यूल से कोलिजन किया तो एयर मॉलिक्यूल टकराने लगे, वो नेक्स्ट वाले एयर मॉलिक्यूल से टकराते हैं, वो कोलाइड करते हैं तो वो वाइब्रेट करने लगते हैं। वैसे आगे के एयर मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करते हैं, जब आपके कान के पास के एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, आपके ईयर ड्रम से टकराते हैं, तब जाके आपको साउंड सुनाई देती है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, साउंड प्रोडक्शन के बहुत सारे और एग्जांपल्स मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, और आप हर केस में देखेंगे कि कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। कोई चीज वाइब्रेट करती है, वो फिर एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कराती है, उससे साउंड प्रोड्यूस और प्रोपागेट होती है स्टूडेंट्स। जैसे स्टूडेंट्स देखो, ये एक लाउड स्पीकर है स्टूडेंट्स, दिस इज अ लाउड स्पीकर, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये लाउड स्पीकर्स आपने देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स शोज में, म्यूजिकल कंसर्ट्स में यूज किए जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, आपके घर पे भी होंगे। तो स्टूडेंट्स, जनरली लाउड स्पीकर्स जो होते हैं वहां पे एक कोन होता है इस तरह, इसको कोन बोलते हैं स्टूडेंट्स, कोन होता है, ठीक है। तो जब स्टूडेंट्स लाउड म्यूजिक प्ले किया जाता है स्टूडेंट्स, तो ये जो कोन होता है वो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट कर रहा होता है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट कर रहा होता है, आपको इजीली दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप इसको छू के देखोगे, जब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो आप इसको टच करके देखोगे तो आपको वाइब्रेशन फील होगा, आप ऐसा करके देख सकते हो, टच करके देखना, वाइब्रेशन फील होगा। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जब ये कोन वाइब्रेट करता है तो इसके बगल वाले एयर मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करने लगते हैं, और फिर वो टकराते हैं दूसरे एयर मॉलिक्यूल से, वो एयर मॉलिक्यूल्स भी टकराने वाइब्रेट करने लगते हैं स्टूडेंट्स। वैसे करते करते जब आपके कान के पास के एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, तब आपको साउंड सुनाई देती है, बिल्कुल वैसा ही हो रहा होता है जैसे मैंने आपको यहां पर बताया। फिर जैसे मान लो कोई गिटार बजाया जा रहा है, तो गिटार बजाते टाइम भी क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, स्ट्रिंग जो वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ये वाइब्रेट करते हैं तो इनके पास के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी वाइब्रेट करने लगते हैं, फिर वो जब वाइब्रेट करते हैं तो अपने आसपास के एयर मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो वो भी वाइब्रेट करने लगते हैं। वैसे करते करते जब आपके कान पास के एयर मॉलिक्यूल्स जब वाइब्रेट करते हैं तब आपको साउंड सुनाई देती है। तो स्टूडेंट हर जगह पे जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। जैसे आप देखो स्टूडेंट, मंदिर की घंटी, ठीक है, इससे साउंड प्रोड्यूस होती है, बेल से। तो स्टूडेंट जब आप इसको बजाते हो ठीक है, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बेल का, वो ऐसे से वाइब्रेट करने लगता है स्टूडेंट्स। आपको भी छू के देखना, इसको बजाने का छू के देखना, ये थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करता है, दिखाई नहीं देता है लेकिन थोड़ा वाइब्रेट करता है। इसके वाइब्रेट करने से यहां से एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करने लगते हैं, फिर ये इधर वाले एयर मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है तो वो भी वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है। इस तरह से साउंड जो है प्रोपेगेट करती है स्टूडेंट्स। जैसे आप देखो स्टूडेंट्स, ये एक बी है, ठीक है, बी की एक हमिंग साउंड होती है ना स्टूडेंट्स, बी की एक हमिंग साउंड होती है, वो कैसे प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स, बी जो होती है वो अपने विंग्स को वाइब्रेट करती है, बहुत जल्दी वाइब्रेट करती है, तो उससे टकरा के अगल बगल वाले एयर मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करने लगते हैं, तो फिर जब आपके कान के पास के एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं तो आपको साउंड सुनाई देती है। तो स्टूडेंट जहां पर भी साउंड प्रोड्यूस होगी देयर विल बी अ वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है और वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोपगेट भी होती है।
जैसे स्टूडेंट्स, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करके देख सकते हो स्टूडेंट्स, जैसे एक रबर बैंड स्टूडेंट्स, आप इसको इस तरह से एक बॉक्स पे बांध लो, ठीक है, फिर आप उसके फिंगर से ऐसे नीचे करके छोड़ दो, तो स्टूडेंट्स ये जो रबर बैंड है ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगेगा, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो, ये रबर बैंड वाइब्रेट करने लगेगा और आपको एक साउंड सुनाई देगी स्टूडेंट्स। तो वो साउंड कैसे प्रोड्यूस हुई, इस रबर बैंड के वाइब्रेट करने से स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा कि साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस और प्रोपगेट होती है। और स्टूडेंट्स आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि कैसे साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप देखो जैसे इस एग्जांपल में आप देखो साउंड जो है स्टूडेंट्स, साउंड वेव जो है वो इधर की तरफ ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और पार्टिकल ऑसिलेट भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, ऑसिलेट भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और स्टूडेंट्स देखो यही पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहे हैं, यही पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहे हैं, अगर वो SHM कर रहे हैं, अगर इनका ऑसिलेशन जो है स्टूडेंट्स वो SHM है, अगर इनका ऑसिलेशन SHM है इन जिन भी केसेस में, तो उस केस में हम साउंड वेव को बोलेंगे हार्मोनिक साउंड वेव, हार्मोनिक साउंड वेव। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें, स्टूडेंट्स अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोज का फायदा उठा सके स्टूडेंट्स, राइट।